हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त एजाज फिर से हाज़िर हूँ एक और नई जर्नी के साथ। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ दौलतपुर चौक पे और हमारी अब जर्नी होने वाली है दौलतपुर चौक से लेके अंबाला तक। वो ट्रेन है साबरमती एक्सप्रेस जिसका कि नंबर है 19718। तो फ़िलहाल अभी मैं खड़ा हूँ दौलतपुर चौक पर। बहुत ख़तरनाक गर्मी है, हिमाचल का निचला एरिया ही है लेकिन गर्मी अपने चरम पर है। तो 2:30 बजे ट्रेन खुलेगी यहाँ से, अभी बज रहे हैं फ़िलहाल 2। तो चलिए अभी ट्रेन के खुलने का वेट करते हैं आधे घंटे बाद और दौलतपुर चौक से लेकर के अंबाला तक अपनी जर्नी ख़त्म करेंगे। और नांगल डैम पे आपको नांगल डैम जरूर दिखाऊंगा, वो भी देखिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं फिर आगे। नांगल डैम से लेकर के चंडीगढ़ तक का रूट भी हमने कवर नहीं किया। रात में एक बार गया था, रात में कवर करा था उसको, रात में कवर किया था मैं उसको, लेकिन अब दिन में दिखाऊँगा मैं आपको। तो बने रहिए मेरे साथ, रूट एकदम नया है तो। और ट्रेन भी नहीं है, मतलब पुरानी ट्रेन है मेरे लिए, मैं इसके अंदर पहली बार सफ़र कर रहा हूँ साबरमती एक्सप्रेस। तो चलिए मज़ा आने वाला इस ट्रेन के इस रूट इस जर्नी के अंदर। गर्मी बहुत है, गर्मी में जर्नी करने का मज़ा ही अलग होता है क्योंकि चुनौती होती है हमारे पास कि इतनी गर्मी में जर्नी करके दिखाना। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं फिर आगे ट्रेन खुलने के बाद और देखते हैं क्या क्या मिलता है जर्नी में। तो दोस्तों अपनी जर्नी की हो चुकी है शुरुआत और हमारी ट्रेन निकल चुकी है दौलतपुर चौक से।
देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि हमारा डब्बा है S2, आगे S1, एक जनरल डब्बा, दो जनरल डब्बे भी हैं। और कहाँ रोका ला के रोका है हमें, देखिए प्लेटफॉर्म कब का ख़त्म हो चुका है। और छोटा सा प्लेटफॉर्म है इस स्टेशन का, आनंदपुर साहिब का, और हम लोग यहाँ रोका गया है। चलिए मिलते हैं आगे। Thank you.
दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मोरिंडा जंक्शन। तो इस रूट के अंदर जो है कुछ खास नहीं है दौलतपुर से लेकर के अंबाला तक, लेकिन एक रूट है तो वो आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था। और मोरिंडा जंक्शन दोस्तों एक इस रूट का बड़ा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से चार जगह की लाइन निकलती है। एक हम आ रहे हैं नांगल से, और एक जा रही है चंडीगढ़, और एक जा रही है सानेवाल, और एक जाती है सिरिंद के लिए। ये चार रूट की ट्रेन निकलती है यहाँ से। फिलहाल अभी हम लोग हैं मोरिंडा पे, और मोरिंडा से हम लोग निकलने वाले। तो दो मिनट का शॉप है यहाँ पे, जहाँ करीब तीन प्लेटफॉर्म का स्टेशन है ये। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं अब। और इस रूट में कुछ खास ना होने की वजह से मैं आप लोगों को सिर्फ स्टेशन के अराइवल और डिपार्चर दिखा रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ नहीं आता है। जो जो बीच में आया था, मैंने नांगल डैम दिखाया आपको, आनंदपुर साहिब दिखाया आपको, और कुछ और कहीं पर कुछ बीच में आ नहीं रहा है। तो इसलिए जो मेरे को दिख रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो अच्छा लग रहा है वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। और थोड़ी देर बाद अभी कुछ स्टेशन आएंगे, उसके चंडीगढ़ आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मोरिंडा जंक्शन से, और अब यहाँ से हम लोग मोरिंडा बाईपास होते हुए चंडीगढ़ की तरफ निकल जाएंगे।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ जंक्शन और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगाया जा रहा है हमें। यहाँ हमारा हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अब चंडीगढ़ जंक्शन और यहाँ पे है हमारा 5 मिनट का हॉल्ट। और यहाँ से जो लाइन निकलती है वो दोस्तों निकलती है अपनी कालका के लिए, सानेवाल के लिए और दिल्ली के लिए। यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या वो है 6 और यहाँ इसका जो कोड है वो है CDG। तो फिलहाल चलिए हम है अभी ऑन टाइम और इसका अगला स्टॉप होगा हमारा वो होगा अम्बाला कैंट। तो बने रहिए मेरे साथ और अम्बाला कैंट में हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टॉप था, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। अम्बाला कैंट पर जर्नी ख़त्म होगी, फिर वहाँ मिलूँगा आप लोगों से। तो जाइएगा नहीं कहीं, देखते रहिए जर्नी को। पी लोगे अंकल? उधर पी लोगे? आप इधर आ जाओ, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, इधर कर लो। अरे मैं उसमें इधर करना नहीं शूटिंग ना। तो यार अभी यार अंकल एक पीना मना है ट्रेन के अंदर। किसमें? ट्रेन के अंदर पीना मना है ना। फिर भी तो आप इधर कर लो शूटिंग। यार मैं धुआं आ रहा, मैं काम कर रहा हूँ अपना, मेरे को काम करने दीजिए। आप वहाँ जाके पी लीजिए, वहाँ भी तो गेट है। लोग मानते नहीं है लेकिन ट्रेन के अंदर सिगरेट पीना बहुत ज़रूरी है लोगों को। मैंने फेस दिखाया नहीं इसका क्योंकि मेरी लड़ाई हो जाती, लेकिन ये लोग मानते नहीं ऐसे। यह है ऊना जनशताब्दी एक्सप्रेस, ऊना हिमाचल जनशताब्दी एक्सप्रेस। डिले बड़े हैं पटरियों के, खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। ये कौन सी ट्रेन है? कल्याण के वेब 7 के साथ कालका अम्बाला कालका पैसेंजर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया गया हमें, अम्बाला कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया गया हमें। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अम्बाला कैंट हमारे शेड्यूल टाइम पे और जर्नी दो मिनट पहले चलता है उतना। जर्नी बहुत बढ़िया रही, इस रूट में ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, इसलिए मैंने आप लोग ज़्यादातर अराइवल और डिपार्चर दिखाई। छोटों के नांगल डैम था वो मैंने आपको दिखा दिया, आनंदपुर साहिब था वो मैंने आपको दिखा दिया, और कुछ नहीं था इस रूट में दिखाने के लिए, लेकिन रूट था इसे दिखाना ज़रूरी था। चलिए ये जर्नी यहीं तक थी, ट्रेन भी बढ़िया थी, पंचुअलिटी इसकी सही थी। तो चलिए दोबारा किसी और जर्नी में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।